उपमंडल गोहर के जिला परिषद सियाज बाड़ के 10 से अधिक गांव में पीने के पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि वैसे तो ये समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन पिछले करीब 20 दिनों से पीने के पानी के बिना तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन सरकार ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति तो रख दिया है, मगर हालत और बिगड़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि जल शक्ति विभाग हर माह उन्हें जल आपूर्ति के बिल तो थमा देता है, परंतु पानी पीने का अभी भी उन्हें 6 किलोमीटर दूर से ढोना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार सियाज के बागा, गोता, घड़ियाल, वहीं तुरीधार, लंबीधार व आसपास के कई गांवों में पानी की आपूर्ति ठप है। पशुओं के लिए खड्ड से पानी लाया जा रहा है, लेकिन परिवार के लिए कोसों दूर से जुगाड़ करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे इस समस्या के समाधान के लिए कई दफा जल शक्ति अधिकारियों के साथ वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन राहत के नाम पर उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता है। वह योजनाओं के मुख्य स्रोत से उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, जिस कारण सप्लाई ठप पड़ी है, टालमटोल किया जाता है। उन्होंने कहा कि करीब 1200 की आबादी इस कारण प्रभावित हो रही है। आज हम पहुंचे हैं मऊईधार, जो कि एक पाइपलाइन है, 1982 की पाइपलाइन परियोजना है, जिसके तहत गोहर आईपीएच वालों का ये कहना है कि लाइन में पानी नहीं है कि और एक्सक्यूज है, पर जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे पानी तो पूरी मात्रा में, सिर्फ पाइपें टूटी हुई है कि सोर्स में बिल्कुल पूरा पानी है। ये हालात हैं इनके। स्वयं से भी हमारे साथ कुछ लड़के जुड़े हुए हैं, अगर इतना ही पानी आ जाए तो यही काफ़ी है हमारे लिए। कर्मचारियों ने बताया कि अब मामला उनके ध्यान में है। अगर स्कीम में मुख्य स्रोत से सप्लाई की पाइप टूटने के कारण आपूर्ति नहीं हो रही है, उन्होंने कहा कि वे स्वयं मौके पर जा चुके हैं और समाधान के लिए सभी को बोला गया है। कार्यालय में अभी तक ऐसी कोई भी लिखित शिकायत नहीं आई है।